जिंदाबाद, नारी शक्ति 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 जिंदाबाद, रन फॉर नेशन, 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 नारी शक्ति जिंदाबाद, 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 नारी हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। ये जो प्रोग्राम था ये हाई लेवल से हमें हमारे पास सूचना आई थी। 3 दिन का प्रोग्राम था, 4, 5 और 6 को। 4 को था ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, आज का जो ये 5 को है ये असेंबली लेवल का है, 6 को है जो वो मंडल लेवल पे है। तो आज का ये जो प्रोग्राम है ये नारी शक्ति वंदन प्रोग्राम है। ये इसलिए है कि जो हम लोगों को, हम लेडीज़ को 33% रिजर्वेशन मिली है गवर्नमेंट की तरफ से, और भी जितनी भी लेडीज़ वेलफेयर स्कीम्स गवर्नमेंट की तरफ से जो मिली है, हम लोग उसके लिए मोदी सरकार का, मोदी जी का, भाजपा का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हम लेडीज़ के बारे में सोचा और हम लोगों को इतनी अच्छी स्कीम्स दी, ताकि अब हम भी अपने बारे में सोच सकते हैं, हमारी लेडीज़ भी घर से बाहर निकल सकती हैं। चाहे वो किसी भी प्रकाश की सुविधा हो वो लेडीज़ को मुहैया करी जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से, और हम लेडीज़ को मौका मिला है बाहर आने का। हमें 70 साल से दबाया जा रहा था, हमें आज लगा है कि हम लोगों को एक वुमेन एम्पावरमेंट का सही मीनिंग पता चला है। हम इसलिए आज ये रैली कर रहे थे मोदी जी का शुक्रिया अदा करने के लिए। सबसे पहले तो हमारा मेन मोटिव यही था कि 33% रिजर्वेशन जो लेडीज़ को मिली है उसके लिए थैंक्स करना चाहते हैं। बाकी विश्वकर्मा योजना जो गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम है उसके बारे में भी आज हमारा एक प्रोग्राम है। इसके बाद भी सारी लेडीज़ ने फॉर्म अप्लाई कर दिए हैं। हम उनको जो भी अपने लेवल पर लेडीज़ खुद को कुछ करना चाहती हैं, खुद को आगे बढ़ाना चाहती हैं, अपना कोई सिलाई सेंटर खोलना चाहती हैं, अपना सलून खोलना चाहती हैं, उसमें 18 किस्म के ट्रेड हैं, 18 में से कम से कम 5-6 लेडीज़ के लिए। तो वो जो भी अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करना चाहती हैं उसके लिए भी है। इसके बाद वो मीटिंग भी होगी, वो भी हम करेंगे। और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियां हमारे साथ जुड़ें, लड़कियां खुद को सशक्त करें, खुद को आगे बढ़ाएं, ताकि वो देश के लिए अच्छा सोचें और देश को एक नहीं, जो लेडीज़, अगर एक लेडीज़ है आपने देखा ही होगा, अगर वो अपना घर चला सकती है तो अपने उसको बिजनेस भी चला सकती है, अगर वो कहीं नौकरी कर रही है तो अपनी जॉब को भी बचा के रखती है। तो वैसे ही अगर देश के बारे में उनको मिला है कि अगर 33% रिजर्व हुआ है तो अब वो अपने बारे में भी सोचेंगी और देश के बारे में भी भला सोचेंगी, मुझे उम्मीद है।